कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार माना जाता है। इस वर्ष 19 अगस्त 2022 को देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हिंदी पंचांग के भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस दिन देश भर के अलग अलग हिस्सों में लोग इस पर्व को अलग अलग तरह से मनाते हैं। कहीं श्री कृष्ण को फूलों से सजाया जाता है तो कहीं रासलीलाओं का आयोजन भी होता है। इस दिन सभी भक्त अपने भजनों से भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन पूजा अर्चना से जीवन में सुख शांति व समृद्धि आती है। वहीं इसके दूसरे दिन देश के कुछ हिस्सों में दही हांडी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। दही हांडी उत्सव भगवान श्री कृष्ण की उपासना का एक माध्यम है। इस उत्सव में एक मिट्टी की मटकी में माखन और दही भरकर उसे रस्सी पर लटका दिया जाता है और गोविंदाओं की टोलियां एक पिरामिड बनाकर इस मटकी को तोड़ने का प्रयास करती हैं। तो आइए जानते हैं दही हांडी उत्सव के बारे में कुछ रोचक तथ्य। श्रीमद् भगवत गीता के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण को बचपन से ही दही और माखन अति प्रिय था और उन्होंने अपनी बाल लीलाओं में कई बार गोपियों की मटकी को फोड़कर माखन चुराने का प्रयास किया, जिसके कारण लोगों ने अपनी दही घी और माखन की हांडियों को घरों में ऊपर की तरफ लटकाना शुरू किया, जिसके बाद नटखट कृष्ण अपने मित्रों के साथ पिरामिड बनाकर मटकी तक पहुंचने का प्रयास करते और मटकी को तोड़कर माखन चुराकर ही वापस लौटते थे। इन्हीं लीलाओं को याद करते हुए तब से दही हांडी उत्सव मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ये उत्सव मनाने से घर में समृद्धि और शांति आती है। कोरोना काल के लगभग 2 वर्ष बाद देश भर में पुनः जोर शोर से दही हांडी उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और युवाओं में इस उत्सव के लिए बहुत अधिक उत्साह देखने को मिल रहा है। दही हांडी उत्सव को मनाने के लिए युवाओं की कई अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं, जो महीनों से पिरामिड बनाने की तैयारी में लगी रहती हैं। इन टीमों को गोविंदाओं का समूह कहा जाता है। माखन और दही से भरी मटकी को जमीन से अत्यधिक ऊंचाई पर लटकाया जाता है और गोविंदाओं की विभिन्न टीमें मानव पिरामिड बनाकर ऊंची बंधी हुई दही हांडी को फोड़ने का प्रयास करती हैं, जिसमें कई टीमें असफल भी होती हैं। जो टीम उस हांडी को फोड़ती है उसे ही प्रतियोगिता का विनर माना जाता है। इसके फलस्वरूप उसे कई पुरस्कार भी दिए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी दही हांडी उत्सव में भाग लेता है और पिरामिड बनाकर मटकी तोड़ता है, उस पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दही हांडी का उत्सव गुजरात और महाराष्ट्र में विशेष तौर पर मनाया जाता है। मुंबई में इसे प्रतिस्पर्धी खेल की तरह आयोजित किया जाता है। दही हांडी मंडल यानी मटकी तक पहुंचने वाले लड़कों की टीमों को रोकने के लिए महिलाएं और लड़कियां उन पर पानी डालती हैं और नाच गाने के बीच ये उत्सव मनाया जाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।